प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह कायम होगा। बच्चों, आज हम आठवीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत क्या पता है। किसी भी पदार्थ के सुचालक होने से आप क्या समझते हैं? किसी भी पदार्थ के कुचालक होने से आप क्या समझते हैं? तांबा तथा एल्यूमिनियम विद्युत के कुचालक हैं या सुचालक? किसी भी सुचालक या कुचालक की परख करने के लिए बनाए गए संपरीक्षित्र या जिसे हम लोग टेस्टर कहते हैं, उसे किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है? इतना कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या पढ़ना है। द्रवों में विद्युत का चालन, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और विद्युत लेपन। तो चलिए बच्चों, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। द्रवों द्वारा विद्युत चालन। बच्चों, हमने विद्युत धारा के विद्युत प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इन सब के बारे में जाना है। अब हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम यह पता करेंगे कि कौन सा द्रव विद्युत धारा का चालन करता है और कौन सा द्रव विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, अर्थात कौन सा द्रव विद्युत धारा का सुचालक है और कौन सा द्रव विद्युत धारा का कुचालक है। इसके लिए हमें एक टेस्टर या संपरीक्षित्र की आवश्यकता होगी। हम एक सरल टेस्टर का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह जो टेस्टर है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं। यह देखिए, यह परिपथ ओपन है। ओपन मतलब खुला परिपथ है और इसमें बल्ब नहीं जग रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस परिपथ को पूरा कर देते हैं, अर्थात बंद कर देते हैं, अर्थात दोनों तारों को आपस में जोड़ देते हैं, तो बल्ब जग जाता है। अर्थात इस प्रकार विद्युत धारा सारे परिपथ में प्रवाहित होना शुरू हो गई और बल्ब जो है वो जल गया। अब हम इस तार के दोनों सिरों को अलग अलग द्रवों में डालकर विद्युत धारा के चालन का पता करेंगे। जो द्रव विद्युत धारा का सुचालक होगा वह बल्ब को जला देगा और जो द्रव विद्युत धारा का कुचालक होगा उसमें डालने पर हमारा बल्ब नहीं जलेगा। इसके लिए बच्चों हम अम्ल, क्षार, लवण और साधारण जल लेंगे। देखें कौन सा सुचालक है और कौन कुचालक। आइए सबसे पहले हम अम्ल लेते हैं। बच्चों, जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल में इन तारों को डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि बल्ब जग गया है। इसका अर्थ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत का सुचालक है। तारों को जब हमने इसमें डाला और तारों को जोड़े बिना ही हमारा बल्ब जग गया। इसका अर्थात कि इस अम्ल में से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो रहा है। इसके बाद बच्चों हम दूसरा अम्ल लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि तारों को दूसरे अम्ल में डालने से पहले तारों के दोनों सिरों को अच्छी तरह से साफ करना होगा। एक द्रव से दूसरे द्रव में तार डालने से पहले इन संयोजी तारों को साफ करना बहुत आवश्यक है। आइए अब हम घरों में इस्तेमाल होने वाला सामान्य नींबू का रस लेकर ये अभिक्रिया करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि नींबू का रस भी एक अम्ल है,
तो नींबू के रस में डालने पर जब तारें बिना जुड़े ही विद्युत धारा का प्रवाह करती हैं और हमारा बल्ब जग जाता है, तो इससे यह पता लगता है कि नींबू का रस भी विद्युत धारा का सुचालक है। तो बच्चों, यह जो दो अम्ल हमने देखे हैं, विद्युत धारा के अच्छे चालक या सुचालक थे। चलिए अब हम क्षारों के बारे में बात करते हैं। क्षारों में सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भी तार डालने से बल्ब जो है वो जल रहा है, चाहे हमने तार के दोनों सिरों को आपस में नहीं जोड़ा है। अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड में से भी विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो रहा है। चलिए अब हम एक और क्षार लेते हैं। यह है पोटेशियम आयोडाइड। देखिए, पोटेशियम आयोडाइड में भी तारों को डालने से हमारा बल्ब जल गया है, अर्थात इसमें से भी विद्युत धारा का प्रवाह अच्छे तरीके से हो रहा है। तो पोटेशियम आयोडाइड भी विद्युत का सुचालक है। तो बच्चों, आपने देखा कि जब हमने कुछ अम्लों में तार को डाला तो वह उन्होंने विद्युत धारा का प्रवाह अच्छी तरह किया, और जब हमने क्षार में संयोजी तारों को डाला तो वहां भी विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हुआ। अर्थात ये अम्ल और क्षार दोनों ही विद्युत के सुचालक थे। चलिए अब हम यही एक्सपेरिमेंट लवण के विलयन के साथ करते हैं और देखते हैं कि लवण विद्युत के सुचालक हैं या नहीं। बच्चों, आप देख ही रहे हैं कि लवण में तारों को डालने पर यह बल्ब आसानी से जल गया, अर्थात लवण भी विद्युत के सुचालक हैं। आमतौर पर घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला नमक भी लवण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर घरों में जो लवण का विलयन होता है, वह विद्युत धारा को अच्छी तरह से प्रवाहित करके हमारे बल्ब को जला रहा है। इसका अर्थ है कि लवण विद्युत के सुचालक हैं। तो बच्चों, इन अभिक्रियाओं से अभी तक हमने क्या पता किया? यही कि अम्ल, क्षार और लवण तीनों ही विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करते हैं, अर्थात तीनों ही विद्युत के सुचालक हैं। चलिए अब हम लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर, या जिसे हम लोग कहते हैं आसुत जल। अब हम इसका टेस्ट कर देखते हैं कि संयोजी तारों को इसमें डालने पर बल्ब जलेगा या नहीं। बच्चों, यह हमारे पास है आसुत जल। देखिए, अब इसमें तारों को डालने पर बल्ब हमारा नहीं जल रहा, अर्थात आसुत जल ने विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया, मतलब यह विद्युत धारा का कुचालक है। एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर भी आराम से कर देख सकते हैं कि आसुत जल में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब नहीं जलता है। बच्चों, जैसे हमने नमक का पानी लवण के विलयन के रूप में लिया, उसी प्रकार हम घरों में इस्तेमाल होने वाली चीनी को जल में घोलकर उसका पानी लेते हैं और देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं। देखिए बच्चों, चीनी वाले पानी में संयोजी तारों को डालने पर भी हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, अर्थात चीनी का विलयन भी विद्युत का कुचालक है। तो बच्चों, हमने
अलग अलग द्रवों में विद्युत धारा के प्रवाहित होने का टेस्ट किया और हमने देखा कि अम्ल, क्षार और लवण तो विद्युत के सुचालक हैं, लेकिन आसुत जल और चीनी का विलयन विद्युत के कुचालक हैं। आसुत जल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आसुत जल में किसी भी प्रकार के लवण उपस्थित नहीं होते हैं, इसी कारण वह विद्युत का कुचालक बन जाता है। चलिए बच्चों, अब विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों के बारे में बात करते हैं। सन 1800 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम निकल्सन ने यह देखा कि जब जल में दो इलेक्ट्रोड डालकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड के सिरों पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बुलबुले बनते हैं। तो इस प्रकार यदि किसी भी विलयन में इलेक्ट्रोडों को डालकर विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो कुछ अलग अलग प्रकार के अभिक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे गैस के बुलबुलों का बनना, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर किसी प्रकार के पदार्थ का निक्षेपित हो जाना या फिर विलयन के रंग में परिवर्तन होना। यह सभी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों के अंतर्गत आता है और यह सभी चीजें विलयन में उपस्थित पदार्थ के और इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये सभी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों में सम्मिलित हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं विद्युत लेपन क्या होता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। आम भाषा में कहें तो एक धातु के ऊपर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। आइए हम इसे एक क्रिया के द्वारा समझते हैं। तांबे की दो प्लेटें लीजिए, इन्हें रेगमाल के साथ अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। अब इन्हें पानी में धोकर सुखा लीजिए। एक बीकर में आसुत जल लेकर उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डालकर विलयन तैयार कीजिए। विलयन को अधिक चालक बनाने के लिए इसमें कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। दोनों तांबे की प्लेटों को विलयन में डालें और बैटरी के साथ जोड़ दें। अब इस विलयन में कम से कम 30 मिनट तक विद्युत धारा को प्रवाहित होने दें। अब बैटरी को बंद कर दीजिए और ध्यान से विलयन में हुए प्रभाव को देखिए। हम क्या देखते हैं? जो तांबे की प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई थी उसके ऊपर तांबे की परत चढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा दूसरी कॉपर प्लेट के साथ नहीं हुआ। आइए इसके कारण के बारे में जानते हैं। बच्चों, वास्तव में जब विद्युत धारा कॉपर सल्फेट विलयन में से गुजरी तो उसने कॉपर सल्फेट को तोड़कर दो आयन बना दिए, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। कॉपर आयन जो कि धनावेशित होते हैं वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट की ओर आकर्षित हुए और उसके ऊपर जमा होना शुरू हो गए, जिससे उसके ऊपर एक अलग सी कॉपर की परत दिखाई देने लगी। लेकिन बेटा, इसका अर्थ ये नहीं है कि विलयन में से कॉपर के आयन खत्म हो जाएंगे और यह प्रक्रिया यही रुक जाएगी। बच्चों, बैटरी के धन टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई प्लेट में से कॉपर के आयन निकलकर लगातार विलयन में मिलते जाते हैं और इसके साथ विलयन में कॉपर की पूर्ति होती रहती है।
तो बच्चों इसी प्रकार विद्युत लेपन के द्वारा किसी एक धातु पर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है। आइए हम विद्युत लेपन के उपयोगों के बारे में जानते हैं। विभिन्न उद्योगों में विद्युत लेपन का उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। इसका उपयोग अनेक वस्तुओं जैसे कि रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, कार के भागों, साइकिल के हैंडल, स्नान गृह की टोटियां आदि को बनाने में किया जाता है। आपने गहने बनाने में भी विद्युत लेपन का उपयोग जरूर देखा होगा। सस्ती धातुओं पर सोने या चांदी की परतें विद्युत लेपन के द्वारा ही चढ़ाई जाती हैं। भोज्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लोहे के डब्बों पर टीन की परत भी इसी विधि के द्वारा चढ़ाई जाती है। इस वजह से क्योंकि टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है तो भोजन लोहे के संपर्क में आकर जल्दी खराब नहीं हो पाता है। इसी तरह बच्चों पुलों और स्वचालित वाहनों को भी प्रबल बनाने के लिए आमतौर पर लोहे का उपयोग होता है, लेकिन लोहे में संक्षारित होने व जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। अतः इसे संक्षारण और जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है और यह भी विद्युत लेपन की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या कुछ सीखा है। दोहराई, कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं और कुछ विद्युत के हीन चालक हैं। आसुत जल को कुछ लवण, अम्ल या क्षार घोलकर विद्युत का चालक बनाया जा सकता है। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन जैसे कि टोंटी के जल में से गुजरती है तो इलेक्ट्रोडों पर दो गैसों के बुलबुले दिखाई देते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल के साथ जुड़े इलेक्ट्रोड पर और हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। विद्युत के द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। चलिए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्न उत्तर देख लें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन सब के उत्तर पता होंगे। निम्नलिखित पदार्थों में से विद्युत का चालक पदार्थ बताइए। पदार्थ हैं हमारे पास प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी और तांबा। जी हाँ, इन चारों में से तांबा क्योंकि धातु है वह विद्युत का सुचालक है और प्लास्टिक, रबड़ और लकड़ी विद्युत के कुचालक हैं। स्वतंत्र कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल के साथ जुड़े इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है? आपके ऑप्शन हैं ऋण टर्मिनल या धन टर्मिनल। जी हाँ, ऋण टर्मिनल, क्योंकि कॉपर जो है वो धनावेशित आयन बनाता है तो वो बैटरी के ऋण टर्मिनल की तरफ आकर्षित होता है। कौन सा जल विद्युत का सुचालक है, साधारण जल या आसुत जल? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, साधारण जल विद्युत का सुचालक है क्योंकि आसुत जल में तो किसी प्रकार के लवण होते ही नहीं तो वह विद्युत का कुचालक होता है। वायु विद्युत की किस प्रकार की चालक है,
कमजोर या अच्छी चालक? जी हाँ, वायु विद्युत की कमजोर चालक है। और आखिरी प्रश्न, टेस्टर या संपरीक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को यदि नींबू के रस में डुबोया जाता है तो चुंबकीय सुई में क्या दिखाई देता है? विक्षेपण या विद्युत लेपन? जी हाँ, चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई देता है क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव समाप्त हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खुश रहिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।